वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से हम लोग जानेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिकर एंड लिक्योर। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कुछ अल्कोहल जिसको हम लोग कहते हैं लिकर, है ना, हम लोग अल्कोहल को तो लिकर भी कहते हैं, और कुछ है जिसको हम लोग कहते हैं लिक्योर्स। लिक्योर्स स्पेलिंग अपीयर हो रहा है। अब ये क्यों, इसको हम लोग क्यों लिक्योर पुकारते हैं, क्या आप जानते हैं? एक्चुअली अगर देखा जाए, मैं बेसिक्स का अगर बात करूं, तो ये जो अल्कोहल है इसमें ना शुगर नहीं है। हालांकि हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि ये थोड़ा स्वीट इन पैलेट, बट आप नोटिस नहीं कर पाएंगे जब आप इन अल्कोहल को पियेंगे। बट एट द सेम टाइम ये जो है ये स्वीट है। मतलब फंडामेंटल रूल ऑफ लिक्योर्स इज अल्कोहल विच इज स्वीट, तो ये स्वीट है और आप वो एहसास भी कर पाएंगे जब आप पियेंगे। तो चलिए आज के वीडियो से हम लोग इनको बेहतर तरीके से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक ड्रिंक एंथुसियास्ट है, अगर आपके घर में एक फैंटास्टिक बार है, अगर आप एक एस्पायरिंग बारटेंडर है, अगर आपके पास बहुत सारा ड्रिंक के ऊपर नॉलेज है बट कॉकटेल के ऊपर नॉलेज बिल्कुल नहीं है, आप चाहते हैं कि बेहतरीन कॉकटेल बना के अपना ही गेस्ट को प्लीज कर दूं, तो फिर मैं बोलूंगा कि प्लीज ज्वाइन बारटेंडिंग बूटकैंप, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन बारटेंडिंग कोर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जाइए और फटाक से ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन बारटेंडिंग कोर्स। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बोलूंगा कि लिक्योर्स जो है इसको बनाया गया किस लिए। देखिए, अल्कोहल जो है इसका जो जनरल अल्कोहल परसेंटेज है कुछ हाई रहता है, और जब भी आप सीप करते हैं तो आपको कुछ ओवरपावरिंग नोट लगता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आप जलन फील करते हैं, आप जब उसको पीते हो माउथ में जलन आता है और आप एहसास कर सकते हो कि आप अल्कोहल पी रहे हो। और ये जो एक्सपीरियंस है इसको रिड्यूस करने के लिए अल्कोहल लवर्स के लिए बनाया गया है ये लिक्योर्स। ये ना आपको अल्कोहल बर्न बहुत कम देगा, और अगर कंपेयर करूँ इनके साथ इनका, मतलब लिकर्स के साथ लिक्योर्स का, तो इसका अल्कोहलिक परसेंटेज भी बहुत कम होता है यूजुअली। और आपको वो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है अल्कोहल का, जो नेचुरल फीलिंग है, वो आपको नहीं मिलता है। इसलिए अक्सर देखा गया कि जो लोग बिल्कुल अल्कोहल पीते नहीं हैं वो कभी कभी इन सब अल्कोहल से बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि लिक्योर्स में क्या खासियत है, उसको कैसे बनाया जाते हैं। अगर प्रोसेस ऑफ मेकिंग का बात करूं लिक्योर्स का, तो मैं बोलूंगा कि जैसे ही वो डिस्टिल स्पिरिट बन जाता है उसके बाद उसमें जो फ्लेवर चाहिए उसको दिया जाता है, और उसके साथ शुगर को भी ऐड करके स्ट्रेन आउट करके फिर जाके आपको ये अल्कोहल डिलीवर किया जाता है। अल्कोहल का बहुत सारा टाइप्स ऑफ अल्कोहल होता है, जैसे कि रम, जिन, वोडका, व्हिस्की, ब्रेंडी, बियर, कॉन्याक, ऐसे बहुत सारा टाइप्स ऑफ अल्कोहल होता है, और इन सब टाइप्स में लिक्योर भी एक टाइप है। मतलब रम, जिन, वोडका, व्हिस्की, ब्रेंडी, बियर, वाइन, लिक्योर्स। अगर बेस स्पिरिट का बात करूँ, मतलब अल्कोहल के मतलब ये जो अंदर में जो अल्कोहल है ये कौन सा अल्कोहल है, जैसे कि बेलीज का अगर बात करूँ तो इसके अंदर में आयरिश व्हिस्की है। अगर मैं कॉर्न थ्रू का बात करूँ तो इसके अंदर में है ब्रेंडी, बट ये ऑरेंज फ्लेवर ब्रेंडी है। अगर मैं खलुआ का बात करूँ तो यहाँ पर है डार्क रम, बट ये जो है कॉफ़ी फ्लेवर्ड है। तो ये है सब बेस स्पिरिट। और लिक्योर्स जो है ये मोस्टली फ्लेवर्ड होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लेवर के साथ ही बना होगा। बट हम लोग जो लिकर पीते हैं इसमें मोस्टली जो फ्लेवर है वो आपको बहुत सटल मिलेगा, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं मिलेगा लिक्योर्स में, वो है। तो इसमें पहले तो अल्कोहल परसेंटेज कम है, तो अल्कोहल का जो जनरल भपका है वो आपको कम मिलने वाला है, और इसमें किसी किसी लिक्योर को बहुत सारा हर्ब से बनाया गया है, कुछ को मिल्क और क्रीम से बनाया गया है, कुछ को ऑरेंज से इन्फ्यूज़ करके ऑरेंज फ्लेवर बनाया गया है, और किसी को कॉफ़ी से बनाया गया है। तो जब भी आप लिक्योर्स को पियेंगे तो फैंटास्टिक एरोमास के साथ अल्कोहल का जो स्ट्रॉन्गनेस हो वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द नॉन अल्कोहलिक पर्सन अक्सर इन सब लिक्योर्स को पसंद करते हैं। लिक्योर्स को मोस्टली कॉकटेल में यूज़ किया जाता है, बहुत सारा क्लासिक कॉकटेल है जहाँ पर लिक्योर को यूज़ किया गया है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपका कोई पार्टनर है जो बिल्कुल ड्रिंक्स नहीं करता है, फोर्स मत कीजिए,
मगर वो अगर वो इंटरेस्टेड है ड्रिंक्स पीने के लिए तो हमेशा रिकमेंड कीजिए लिक्योर्स। एक बार गूगल में सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा लिक्योर्स आपको दिख जाएगा, उससे जो फ्लेवर ऑप्शन है उसको डिसाइड करके आप उनके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगर लिक्योर्स के बारे में पास्ट का बात करूँ या इतिहास का बात करूँ तो इन सब लिक्योर्स को बनाया था साधुओं ने, मॉन्क्स ने, और बनाया था हेल्थ की पर्पस में या मेडिसिन की तौर पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और उन टाइम पे इन सब लिक्योर को कहा जाता था कॉर्डियल, मतलब स्वीट एंड फ्रूटी ड्रिंक। अगर मेकिंग प्रोसेस का बात करूँ तो लिक्योर्स के लिए कोई प्रॉपर और स्टैंडर्ड रूल नहीं है, बट इतना क्लियर है कि वट एवर द एल्कोहल इट इज, इट हैज़ टू बी स्वीट इन नेचर और इट हैज़ टू बी अ फ्लेवर्ड एल्कोहल। अब जैसे मैं आपको बोला कि फ्लेवर्ड एल्कोहल, तो फिर आप सोचने लगेंगे कि शायद वोडका भी तो है बहुत सारा फ्लेवर, उसको क्या हम लोग लिक्योर बोल सकते हैं? क्या बकाडी का भी बहुत सारा फ्लेवर आता है, उसको भी क्या हम लोग लिक्योर बोल सकते हैं? जिन में भी बहुत सारा फ्लेवर आता है? जी नहीं, वो सब फ्लेवर्ड एल्कोहल है, नॉट लिक्योर, क्योंकि उसमें शुगर को डायरेक्ट इन्फ्यूज नहीं किया गया या डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया गया। बट लिक्योर में हमेशा शुगर इन्वॉल्व है, और कितना परसेंटेज शुगर इसको मिलाया गया है ये भी इन सब बॉटल में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूंगा कि इन सब लिक्योर्स को कैसे पीना है। आफ्टर ऑल ये एक स्वीट ड्रिंक है, तो एकदम आसान तरीका है कि जैसा आपको अच्छा लगे आपको उसी तरीके से पीना है। अगर एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करूँ तो अक्सर कहा जाता है कि इन सब लिक्योर को आप अगर क्रस्ट आइस के साथ पियेंगे तो आपको मैक्सिमम गुड एक्सपीरियंस मिल सकता है, और तो और नीड भी आप पी सकते हैं, होल आइस के साथ भी आप पी सकते हैं, और फाइनली कॉकटेल बना के भी आप पी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।